नमस्कार दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू के सेकेंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हम लोग परिचर्चा कर रहे थे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में हम तैयारी कैसे करें, व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, साक्षात्कार लेने वाला पैनल या पैनल मेंबर्स किसी भी इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति में क्या चीज़ें देखते हैं और वह किस तरह से उनका विश्लेषण करते हैं, किस तरह के मापदंडों और मानदंडों का ध्यान रखते हुए वह किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का चयन करते हैं, इस बात के बारे में हमने अपने प्रथम भाग में बात की थी। हम लोगों ने वहां पर यह बात की थी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से किसी भी इंटरव्यूअर को या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को साझा या सामना करना पड़ता है। उन प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों से एक था, अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने आपसे बताया था कि श्री अब्दुल गफूर दानिश और श्री उद्यम सलीम बनर्जी, जो कि कॉरपोरेट ट्रेनर हैं और जिन्होंने कैंपस टू कॉरपोरेट नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सन 2010 एमबीए बैच जिसमें हम लोग पढ़ते थे, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन किया था, उसमें उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी थी, मैं उसके आधार पर आपको इसका उत्तर देता हूँ। अपने बारे में बताने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बारे में चार हिस्सों में जानकारियों को तोड़ लें। सबसे पहला हिस्सा जहां पर आप अपने बारे में बताएं, अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आप, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, उसके बाद में दूसरा भाग है आपकी शिक्षा, शिक्षा में आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपका अद्यतन शिक्षा जो भी आपने हाल में अचीव की है, तीसरा भाग है आपके अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स में आपके शैक्षणिक अचीवमेंट, गैर शैक्षणिक अचीवमेंट और सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के अचीवमेंट। यहाँ यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने तीन या पांच महत्वपूर्णतम जो अचीवमेंट हैं उनको जरूर बताएं। और चौथा भाग है आपका फ्यूचर गोल या भविष्य के बारे में आपके विचार। तो आप अपने परिचय के बारे में 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का एक छोटी स्पीच तैयार कर सकते हैं और यह सजेस्टिव है कि आप उसे लिख लें, शब्दों को सही चयन करते हुए, सही तरह के गेस्चर पोस्चर यूज करते हुए आप उसको बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि यह प्रश्न आपका पहला परिचय है जब आप अपना इंटरव्यू देंगे। खास तौर पे जब आजकल कोविड के टाइम में हम लोग डिजिटल स्क्रीन पर अपना परिचय दे रहे हैं, वहां पर बाकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका कमरे में आने का कर्टिस वे, आपका फाइल रखने का तरीका, ये सब मायने नहीं रख रहा है, पर यह बहुत मायने रख रहा है कि आप कैसा बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल बैकग्राउंड में या डिजिटल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी आवाज़ सुस्पष्ट हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर हो, जिससे आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें कोई लैग ना दिखे, उसमें कोई गैप ना आए, कोई फंबलिंग, कोई फ्लक्चुएशन या टेक्निकल व्यवधान ना हो। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके और इन्वायरमेंट में प्रॉपर लाइटिंग हो, जिससे आप अपनी सुस्पष्ट अभिव्यक्ति अपने पैनल मेंबर के सामने कर सके। यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि इंटरव्यूअर आपसे पहला प्रश्न सामान्यतः यह पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, यह प्रश्न आपके इंटरव्यूअर की आधारशिला है, जिसमें दी गई आपके द्वारा जानकारी से ही इंटरव्यूअर आगे अन्य प्रश्न निकालता है। जैसे आपने यहाँ पर यह बात की कि एजुकेशन बैकग्राउंड, तो एजुकेशन बैकग्राउंड में यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आपसे यह संभावित है कि आपसे एग्रीकल्चर से जुड़ी मूलभूत जानकारियां पूछी जा सकती हैं। यदि आपने बताया कि आपके अचीवमेंट्स के अंदर आप एनसीसी में सर्टिफिकेट होल्डर हैं या रिपब्लिक डे परेड आपने करी है, तो निश्चित बात है एनसीसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे जानना अपेक्षित है। इसी प्रकार से यदि आप कहते हैं कि आप ब्लड डोनेशन करते हैं या आप सामाजिक सरोकारों में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित बात है ब्लड से जुड़े या ब्लड डोनेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों से आप रूबरू होंगे या इस बारे में आप बात करने में कंफर्टेबल होंगे। इसी तरह से यदि आप कहते हैं कि आपका भविष्य गोल या आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, तो उन हॉबीज पर आपसे प्रश्न अपेक्षित है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो व्यक्तिगत साक्षात्कार सामान्यतः 5 मिनट से लेकर 20 या 40 मिनट तक भी जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इंटरव्यू है, किस तरह की जॉब के लिए लिया गया है और कैंडिडेट के जो कैपेसिटी है, जिस हिसाब से वो आगे एनालिसिस करना आवश्यक है मेंबर्स को, वो उससे इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः 5 से लेकर 20 मिनट का इंटरव्यू एक आदर्श इंटरव्यू माना जाता है। इन्हीं सीरीज के अंदर जैसा मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दूसरा प्रश्न है व्हाई दिस पोजीशन या व्हाई दिस कोर्स, आप यह यदि आप कार्य के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यह कार्य क्यों करना चाहते हैं,
या आप किसी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल कैंपसेस जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या फिर जो भी आप बड़ा नाम जानते हैं, वो सब आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी आपका उद्देश्य क्या है इसको पहले ही लिखवा के अपने पास राइटअप के रूप में ले लेते हैं, ताकि यह विश्लेषण करना आसान हो कि व्यक्ति किस प्रकार की विचारधारा के साथ में आकर इस प्रकार के इंटरव्यू में या इस प्रकार की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाई यू, आपका चयन क्यों किया जाए। यह प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर अगर समझें, यह प्रश्न साधारण तौर से आपसे आपकी क्षमताओं के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखिए, स्वॉट एनालिसिस एक मैनेजमेंट का साधारण शब्द है जिसमें संस्थान की क्षमता, कमियां, संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में चर्चा की जाती है। अगर हम इसको व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के रूप में देखें तो किसी भी व्यक्ति की क्षमताएं और किसी भी व्यक्ति की सीमाएं दोनों होती हैं, और व्यक्तिगत साक्षात्कार में आपको अपनी क्षमताओं के बारे में और आपको अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी हो ये अपेक्षित है। और निश्चित बात है कि आप अपनी क्षमताओं के बारे में ना सिर्फ अवगत हों, आप उनको निकट वर्तमान में या निकट भूतकाल में उपयोग कर चुके हों और उससे ली गई लर्निंग को आप आकर आगे उपयोग करना चाहते हों। यदि आप अपनी कमियों को जानते हैं तो उन कमियों के बारे में अवेयर हों और उसके बारे में आप आगे क्या प्लान लेकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं इसके बारे में आपके पास में सुस्पष्ट विचार और कार्य योजना हो। तो वाई यू प्रश्न का मतलब है आप इस चयन के लिए क्यों काबिल हैं, इसका मतलब आपको उत्तर देना होगा अपनी क्षमताओं के बारे में। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बताना होगा कि यदि आप मेरा चयन करते हैं तो ये मैंने अचीवमेंट्स या इस तरह की मेरे पास में कैपेसिटीज हैं जिनको लेकर मैं आगे कार्यरत होना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, व्हाई नॉट, यदि आपका चयन ना किया जाए। देखिए, यह प्रश्न किसी भी इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को अचानक से आने पर परेशान कर सकता है यदि आपका चयन ना किया जाए, क्योंकि इस बारे में साधारण व्यक्ति कोई सोचता नहीं कि मेरा चयन ना किया जाएगा तब मैं क्या करूँगा। यहाँ पर यह प्रश्न दो तीन चीजों को एनालिसिस करने के लिए इंटरव्यू पैनल आपके सामने रखता है। पहली चीज तो ये कि क्या आप असहज परिस्थिति में रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द उपयोग किया है रिस्पॉन्स, एक शब्द होता है रिएक्ट। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्स करना दोनों अलग अलग चीज है। रिएक्ट करना है आपका नेचुरल रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स करना है आपका सोचा समझा दिया गया जवाब। यदि आप किसी चीज के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपको कहा जाए इस पद के लिए आप उचित नहीं लग रहे, तो आप कह सकते हैं हाँ कोई बात नहीं सर, मैं अगली जॉब के लिए देखूंगा। ये है आपका रिएक्शन। दूसरी चीज है आपका रिस्पॉन्स। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस पद के लिए उचित नहीं लग रहे हैं, तो आप वहां पर अपनी क्षमताओं का पुनर्विश्लेषण करते हुए उनको बताएं कि सर हो सकता है इस इंटरव्यू के दौरान मैं अपनी बात को सही ढंग से ना रख पाया हूं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 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 क्षमताओं के साथ मैं इस कार्य को करने के लिए अपना पूर्णतया समर्थन या पूर्ण प्रयास रखूंगा। तो आपकी सकारात्मक सोच, आपका रिएक्ट, बात करने का एक तरीका, आपको अचानक दिए गए प्रश्न में आपका आपा नहीं खोना, आपको अपने बारे में विश्वास होना, आपको दूसरे को अपनी बात से कन्विंस करने की आपकी क्षमताएं होना, ये व्यक्तिगत साक्षात्कार के महत्वपूर्ण भागों में से एक है। और इस प्रकार का प्रश्न कि आप नहीं हो, अगर आपका चयन नहीं होता है तब आपका दिया गया रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और प्रश्न है कि आपसे पूछा जाए कि आपको क्यों ना लिया जाए। तो यह प्रश्न होगा कि आप अपनी सीमाओं से परिचित हैं या नहीं। जैसे अगर कोई यह कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या अगर ये कहा जाता है कि मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या ये कहा जाता है कि मैं ऑनलाइन गेमिंग खेलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप कार्यस्थल पर होंगे तो आप ऑनलाइन गेम में अपना समय लगाएंगे, आप लोगों के साथ गपशप करने में ज़्यादा समय लगाएंगे, आप गुस्से के कारण हो सकता है किसी कम्युनिकेशन को या किसी कार्य को खराब कर सकते हैं। इसकी जगह पर यदि आप इस बात को समझें कि आप लोगों के साथ काम करने में या ग्रिगेरियस हैबिट होना यानी समूह में काम करना, तो समूह में काम करना निश्चित तौर पर बहुत बार नुकसान करता है, परंतु बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें समूह में काम करने की क्षमता अपने आप में एक वरदान है। इसी प्रकार से चीज़ों को धीरे सीखना या ये समझना, बहुत सारे ऐसे भी आपकी सीमाएं हो सकती है जिनको आप समझें और उस तरह से बताएं कि वह क्षमताएं कवर करने लायक हों और उसका दूरगामी बहुत ऋणात्मक प्रभाव नहीं हो। यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि यह भी झूठी नहीं होनी चाहिए और यह बनावटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप में कोई सीरियस कमी है व्यक्तित्व में, आपके अगर कोई सीरियस भाग ऐसा है जो आपने क्षमताओं के तौर पर देखा है कि आपको लग रहा है ये सही नहीं है, तो आप आज ही उसके बारे में तैयारी करना शुरू करें।
ठीक है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो इस बात को समझें कि आप किन बातों से गुस्सा कर रहे हैं। अगर आपको जिन बातों से गुस्सा आ रहा है, क्या आप उससे परे हट सकते हैं या उस पर अपने काबू कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। कोई भी मशीन जिसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड दिया जाता है, वो मशीन गर्म हो जाती है। तो इस बात से बहुत सरलता से समझें कि यदि आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस परिस्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और आप गुस्सा आपका उस अनियंत्रित परिस्थिति का रिप्रेजेंटेशन है। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए, गुस्सा आना आपकी अक्षमता का एक उदाहरण है। इसलिए कोशिश करें आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं ताकि आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्नों में सिचुएशनल प्रश्न, जैसे यदि आप किसी मार्केटिंग के जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं या सेलिंग के जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नए गांव के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त आप क्या करेंगे, या अगर कोर्स के बारे में जानकारी पूछी जाए कि इस कोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से सिचुएशनल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने अपने सीवी में या बायोडाटा में या रिज्यूमे में आपने कोई जानकारी दी है, उसके क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पर जांच की जा सके, आपके क्रेडेंशियल्स की क्रेडिबिलिटी क्रॉस चेक की जा सकती है। तो ये सारे प्रश्न हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण भाग है कि आप प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। देखिए, प्रश्नों का उत्तर कैसे दें का एक बहुत सिंपल गोल्डन रूल है, ना अधिक ना कम। कम शब्दों में बोलने पर घबराहट रिप्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा शब्दों में बोलने पर आप अनावश्यक बात बोलकर अपने इंटरव्यू के इंप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें नपे तुले शब्दों में अच्छे शब्दों के साथ स्माइल के साथ अपने पूर्ण उत्तर को देने का प्रयास करें। इसके बाद काइनेसिक्स, अपने हाव भाव का, गेस्चर का, नोडिंग का, एक्सप्रेशंस का उपयोग करें। लोगों के साथ आप बात करते वक्त जितना आप उनकी बात को समझेंगे, जितना उनकी बात को एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, वो आपका इन्वॉल्वमेंट आपकी उस चीज़ों से जुड़ाव को दिखाता है। यदि आप रोबोट फेस की तरह इंटरव्यू देंगे और जितना पूछा गया उतना ही उत्तर दिए जाएंगे, या फिर आप कम से कम बोलने का प्रयास कर इंटरव्यू खत्म करना चाहेंगे, तो निश्चित बात है इंटरव्यूअर इस बात को ऑब्जर्व करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यू पैनल के मेंबर लाखों लोगों को, नहीं तो हजारों लोगों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं। वो आपके इंटरव्यू के शुरुआत के टाइम में ही आपके बारे में एक राय बनाते हैं, जिसको अलग अलग प्रश्नों के द्वारा वेरिफिकेशन करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर कहा जाता है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप जो है, वो 19 सेकेंड, यहाँ पर एक गोल्डन प्रिंसिपल कहा जाता है, 19 सेकेंड का प्रिंसिपल। तो पहले 19 शब्द, पहले 19 सेकेंड, पहले 19 एक्सप्रेशन, यानी आपके फर्स्ट 19 प्रिंसिपल के आधार पर आपका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है और बाकी सारा इंटरव्यू उस इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने आंसर देते वक्त में आपके हाव भाव का, गेस्चर का, स्माइल का, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट का ध्यान रखिए। नोडिंग है, बात करते हुए दूसरों के कंसिडरेशन को ध्यान में रखना। आपके पैनल मेंबर में यदि 5 मेंबर हैं, तो सभी मेंबर्स को ध्यान में रखना। जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको तो ध्यान देना ही है, उनके अलावा बाकी लोगों की बात को भी समझना, सुनना और उस तरह से उनको रिएक्शन करना। बी थैंकफुल एंड स्माइलिंग। देखिए, कोई भी यात्रा जो धन्यवाद के साथ शुरू होती है, निश्चय वो भाग्य के साथ समाप्त होगी। तो निश्चित बात है कि अगर आप स्माइलिंग हैं, थैंकफुल हैं, आपका चीयरनेस चीयरफुल बिहेवियर है और आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड रखने की जगह आपका ग्रेटिफाइंग एटीट्यूड है, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का आपका व्यवहार है, तो निश्चित बात पर आप लोगों के साथ तारतम्य बनाने में सक्षम हैं। बी वेल प्रिपेयर फॉर व्हाट एंड व्हाई यू आर इन दिस मीटिंग। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मेरा पहला और अंतिम दोनों सजेशन यही है कि आप जिस भी पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा आप उस इंटरव्यू में क्यों हैं। यदि आपको यह मालूम होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी कमियों के बारे में भी अवगत होंगे। आप अद्यतन जानकारियों से लवरेज रहें। आप ध्यान रखें कि हाल फिलहाल में घटनाएं कौन सी हुई है, उनका असर क्या होने वाला है। एक परिपक्व दिमाग आसपास की घटनाओं को समझता भी है और उस पर अपनी एक राय बनाता है। जैसा कि हमने ग्रुप डिस्कशन में भी समझा था कि अपनी राय जरूर रखें, इंटरव्यू के अंदर उस राय का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स आपकी GDPI में रखी गई बात को भी कोट करते हैं और उसके आधार पर आपके रेफरेंस रखते हैं। यहाँ पर एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सवाल क्रिटिकल सवाल होंगे, एथिकल सवाल होंगे, जहाँ पर आपको आपका व्यू पॉइंट, आपका सही नजरिया और कानून के हिसाब से सही बात बोलनी बिल्कुल आवश्यक है। आशा है आपको इंटरव्यू में दी गई ये टिप्स आपको यूजफुल लगेंगी, आप इनको उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।